इंदौर में शराब पीकर सड़कों पर तेज रफ्तार की सवारी करने वाले 50 से ज्यादा वाहन चालकों की उस समय श्यामत आ गई जब वो पुलिस चेकिंग के दौरान ब्रेथ एनालाइजर मशीन के सामने आए। दरअसल इंदौर में अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस व्यापक पैमाने पर सड़कों पर उतर रही है और इसी का परिणाम है कि वीकेंड की रात को पुलिस के हत्थे छाछठ ऐसे लोग चढ़ गए जो शराब के नशे में खुलेआम सड़कों पर वाहन चला रहे थे। देखिए, जो सड़क दुर्घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं उसमें बहुत ज़्यादा संख्या में जो कारण निकल के आया है वो शराब पी के जो लोग चलाते हैं वाहन, उस दिशा में इंदौर पुलिस ने कार्रवाई की है और कल वीकेंड पे ये हमारी टीमों ने कार्रवाई की थी जिसमें थाना पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और हमारे रिजर्व पुलिस का बल भी साथ था और सभी वरिष्ठ अधिकारी उसमें निकले हुए थे। ब्रीथ एनालाइजर के माध्यम से कल सबसे बड़ी कार्रवाई 66 वाहनों के खिलाफ हमने की है और ये 66 गाड़ियां वो हैं जिसमें कार भी हैं, ऑटो भी हैं और टू व्हीलर भी हैं। इन 66 गाड़ियों को जब्त किया गया है और माननीय न्यायालय में इनको प्रस्तुत किया जाएगा जहां पे इनको 15,000 के आसपास इन पे जुर्माना होगा एक एक गाड़ी पे। तो ये मैं समझता हूं कि पूरे प्रदेश में सबसे बड़ी कार्रवाई है और इंदौर में अभी तक की गई सर्वाधिक बड़ी कार्रवाई है और इसमें हम साथ में इनके लाइसेंस कैंसिलेशन के लिए भी आरटीओ को पत्र लिखा जाएगा।